Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss for such transactions. तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट की बात करते हैं तो BTC को देख सकते हैं कि कल 24,000 से भी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पर 23,771 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इथेरियम ने एक मजबूत रेजिस्टेंस को जाकर हिट किया है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की भरपूर कोशिश की है। इसके ऊपर अगर बना रहता है तो अच्छा खासा बुलिश भी हो सकता है। तो पूरी यहाँ पर डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। यहाँ पर अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 1,091 के आसपास यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रही है। कल अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली और यहाँ पर 1.09% का डिक्रीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों कल के दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और ना ही ट्विटर पर एक्टिव हो पाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे परसों के दिन से कुछ एक ऐसी पर्सनल टेंशन है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे लिए हमारे हक़ में दुआ करेंगे कि इस टेंशन से जल्द मैं बाहर आऊँ। कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और बस आपकी दुआओं की वजह से इस टेंशन से मैं बाहर आ सकता हूँ। तो प्लीज़ दुआ करें हमारे हक में। तो चलो यहाँ पर आपका टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ और BTC की चार्ट को ओपन करके यहाँ पर शॉर्ट सी अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों BTC अभी भी अगर हम देखेंगे तो BTC एक फॉलिंग राइजिंग चैनल के अंदर फंसा हुआ है। आप देख सकते हो क्लियर कट इसी के अंदर मूवमेंट कर रहा है, नीचे आता ऊपर चला जाता ऊपर जाता नीचे आ जाता है। तो ये राइजिंग चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पीछे से इस तरीके के राइजिंग चैनल आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसको कि बाद में अगर बेयर ट्रेंड में हम होते हैं तो इसको बेयर फ्लैग बोला जाता है। यहाँ से देखोगे तो मार्केट गिरी, उसके बाद इस तरीके से एक ट्रेंड में गई, फिर गिरी, फिर इस तरीके से एक ट्रेंड में गई और फिर गिरने के बाद फिर इस तरीके से एक राइजिंग चैनल में यहाँ पर मूव करती आपको दिख रही है। RSI लगातार ऊपर के साइड जा रही है और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक हिडन बेयरिश डाइवर्जन भी क्रिएट हुआ। जिस तरीके से इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर क्रिएट हुआ तो अच्छी खासी गिरावट हुई थी, यहाँ पर भी अभी भी वो हिडन बेयरिश डाइवर्जन क्रिएट है लेकिन पूरी तरीके से प्ले नहीं कर रहा है। प्ले क्यों नहीं कर रहा है? अगर प्ले करेगा तो ये नीचे की ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे आएगा, तब ये बोला जाएगा कि यहाँ पर हिडन बेयरिश डाइवर्जन जो था वो यहाँ पर प्ले कर गया। तो खैर यहाँ पर हम देखते हैं तो देखो इस तरीके के चैनल के अंदर जब प्राइस होता है तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि अगर हम ऊपर के साइड ट्रेंड लाइन पर रिएक्शन हमको मिलता है तो हमें ये मालूम हो जाता है कि हम नीचे ही आएंगे, और जब नीचे से हमें यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो हम ये समझ सकते हैं हम ऊपर ही जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि जब ये उस ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है जाकर प्राइस नीचे घूमने की कोशिश कर रहा है, प्राइस अच्छा खासा नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक आ भी रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी भी प्राइस ने जाकर इसको हिट किया है। ये जो मजबूत रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 23,200 से 23,500 तक का, यहाँ पर दोस्तों इसको ब्रेक करने की लगातार बिटकॉइन का प्राइस कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो कल के दिन भी परसों के दिन की कैंडल ने क्लोज़ किया, लेकिन कल के दिन की कैंडल इसके ऊपर नीचे करती रही और आज के दिन थोड़ा सा छोटी सी कैंडल बनी है। अभी यहाँ पर मंथ के एंड होने में एक दिन केवल शेष है और उसके बाद ये जो मैंने रेजिस्टेंस आपको निकाल कर दिया है ये मंथली रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये परसों के दिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा और उसका लेवल क्या निकल कर आएगा वो मैं आपको परसों के वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से अभी हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इसको हिट करके इसको रिएक्शन मिल रहा है तो आप देख सकते हो कि यहाँ से नीचे आ सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जिस तरीके से थोड़ा सा बुलिश कंडीशन दिखा रहा है, वहाँ पर FOMC मीटिंग के बाद जो रेट यहाँ पर डिस्क्लोज हुए उसके बाद मार्केट ने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया, क्योंकि 75 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर हमें उम्मीद थी और वही चीज़ हुई। तो यहाँ पर मार्केट में और दूसरी चीज़ ये कि पावेल जो वहाँ के FOMC के अध्यक्ष हैं फेड रिजर्व के, तो उन्होंने वहाँ पर ये भी बोला, चेयरमैन हैं सॉरी, तो उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि हम मंदी को, उन्होंने नकारा कि मंदी में हम नहीं हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव तरीके की एक न्यूज़ मार्केट में आई, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि मंदी का भी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ तो मार्केट में थोड़ा सा राइज हमें देखने को मिला। इथेरियम बहुत अच्छे तरीके से राइज कर रहा है। इथेरियम के राइज करने की वजह यहाँ पर यह है क्योंकि BTC का डोमिनेंस यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन आता जा रहा है, उसी तरीके से वहाँ पर इथेरियम इंक्रीज़ करता जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखो अगर हम बुलिश कंडीशन की बात करते हैं BTC की, तो फिलहाल हमें अभी दो दिन तो यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मंथली लेवल मैंने आपको बताया है ये मंथली लेवल चेंज होगा परसों के दिन यानी मंडे के दिन, तो 31 कल है
और 1 तारीख को ये लेवल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो ये लेवल है अभी ये आपको देखने को मिल रहा है 23,200 से लेकर 23,500 के बीच में। उसके बाद ये लेवल कहाँ पर बनता है ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर बुलिश कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर बिटकॉइन का प्राइस इस चैनल को तोड़कर बाहर आता है और इस तरह से वापस रिएक्ट करके, तो यहाँ से हम पहला लेवल देख सकते हैं जो कि 29,000 का हो सकता है। उसके बाद हम इस तरह से आते हैं और उसके बाद 32,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन 32,000 तक भी हम जाते हैं तो भी हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है डेली चार्ट पर, उसके नीचे ही हम यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर अगर देखो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बुलिश कंडीशन बनती है तो इस तरह से प्राइस ऊपर रिएक्ट करता हुआ जा सकता है और यहाँ से इस तरह से हिट कर सकता है दो लेवल जाकर, यानी 29,000 और 32,500। यहाँ पर ये एक मज़बूत रेजिस्टेंस एरिया है और एक मज़बूत सपोर्ट का काम भी किया है बिटकॉइन के लिए। अगर हम इसको वीकली चार्ट पर देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखोगे वीकली चार्ट पर तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस पॉइंट पर आप देखो, फिर यहाँ पर देखो, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट एरिया बना था जिसको बिटकॉइन का प्राइस ब्रेक करने आया था। तो बड़े टाइम फ्रेम की अगर बात करोगे तो धीरे धीरे अगर ये भी हो सकता है कि प्राइस को जाकर रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है जिस सपोर्ट को तोड़ कर आया है, और उसके बाद फिर ये वापस नीचे इस तरह से घूम सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वीकली चार्ट पर अभी भी हम पूरी तरीके से बुलिश नहीं हैं। हालांकि वीकली चार्ट पर ये जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे लगातार क्लोजिंग मिल रही थी, इस वीक की क्लोजिंग इसके ऊपर हमें देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश मूव आ सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन उसके लिए बिटकॉइन के प्राइस को डेली चार्ट पर इस पैटर्न का ब्रेकआउट करना होगा, इस तरह से मार्केट को आना होगा ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो कि इस तरह से मार्केट को यहाँ पर आना होगा। आप देखो इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये BTC की अपडेट थी। यहाँ से इसके बाद हम चलते हैं इथेरियम के चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है इथेरियम में। इथेरियम में दोस्तों डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो इथेरियम ने इस तरीके से यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि प्राइस 1000 तक जा सकता है, तो प्राइस 1000 से भी नीचे गया। उसके बाद यहाँ से इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है इसी सपोर्ट एरिया को। डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये एक मजबूत सपोर्ट एरिया था जो कि लगभग 1700 के आसपास था और प्राइस कमोबेश 1700 के आसपास ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा था जब मैंने वीडियो अपलोड किया था कि प्राइस 1000 तक जा सकता है। तो आपने देखा कि उस सपोर्ट को जैसे ही इथेरियम ने तोड़ा था, अच्छा खासा यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, फिर जिगजैग कंडीशन बनी, फिर अपसाइड मूवमेंट। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अभी हम पूरी तरीके से ये नहीं बोल सकते। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि क्या ट्रेंड रिवर्स कर गया है, मार्केट यहाँ से बुल रन की तरफ जा रही है। मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि जब मार्केट गिरती है अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं डेली चार्ट पर, तो मार्केट गिरी, ऊपर गई थोड़ा सा, फिर गिरी, फिर थोड़ा सा एक पैटर्न बनाया, फिर गिरी, और उसके बाद फिर एक जिगजैग कंडीशन बनाई यानी साइडवेज कंडीशन, इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया। यहाँ पर हरे कलर की यानी कि ग्रीन कलर की जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही, जाकर इसको हिट किया है। और यहाँ पर ये 1700 का एक मजबूत रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ता है तो यहाँ पर दो लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर प्राइस नीचे आता है कुछ इस तरह से, हम इस ट्रेंड लाइन को लगाते हैं यहाँ पर, और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर आता है तो 1911 तक हमें पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 2200 के लगभग, यानी 2200 के आसपास। तो यहाँ पर ये थोड़ा हमें समझना होगा। और उसके बाद अगर हम RSI को देखेंगे तो डेली चार्ट पर RSI हमें यहाँ पर फॉर्मेशन दे रही है कि थोड़ा सा बेयरिश डाइवर्जन क्रिएट कर रही है, लेकिन उतना अच्छे तरीके से यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पर धीरे धीरे इसको ये कंफर्मेशन मिलेगी और यहाँ से प्राइस में भी इस रेजिस्टेंस एरिया से नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट कर भी सकता है। अगर करता है तो दोस्तों यहाँ पर दो लेवल यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो लगभग एक लेवल तो लगभग ये होना चाहिए, और इससे पहले भी बीच में भी जो मैंने अपडेट यहाँ पर आपको दी थी तो वहाँ पर भी इथेरियम का प्राइस जाकर हिट हुआ था। तो यहाँ पर नियर अबाउट 14,079 के पास लेवल निकल कर आ रहा है, लेकिन आप इसको 14,050 मानिएगा, ठीक है, और यहाँ से गिरता है तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, और अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर ये 1310 पे यानी 1310 पर भी सपोर्ट ले सकता है। और जिस तरीके से बिटकॉइन के मंथली लेवल चेंज होंगे उसी तरह से यहाँ पर इथेरियम के मंथली लेवल भी चेक होंगे। तो मेरा जो मंडे का वीडियो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। हालाँकि यहाँ पर देखो एक शॉर्ट सा डाइवर्जन यहाँ पर बना है, मैं फिर बता देता हूँ, ये बेयरिश डाइवर्जन है, टॉप पर जाकर बना है एक रेजिस्टेंस एरिया पर, तो मे भी यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट कर सकती है। तो दो लेवल यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो
तो चलो दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद करूँगा काफ़ी अच्छे से मैंने आपको अपडेट कर दी, और यहाँ पर आपको जो भी कल के दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया उसकी भरपाई भी हो जाएगी आज के वीडियो को देखने के बाद। और जिस तरीके से मैं टेंशन, एक पर्सनल टेंशन को फेस कर रहा हूँ, तो उम्मीद यही है, चलते चलते फिर आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप मेरे हक में दुआ ज़रूर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, और इस टेंशन से मैं आपकी दुआ और आपकी प्रार्थना के ज़रिए बाहर आ जाऊँगा। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ फिर से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स फॉर एनी लॉस फॉर सच ट्रांजेक्शंस।